धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। कुछ अपने मुतलक, मैंने मस्ताना जी से इस बारे में अर्ज की। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि काल और माया ने अपना जाल इस खूबसूरती से बिछा रखा है कि सब लोग अपने अंदर वाले राम या खुदा को भूल चुके हैं और किसी को एक मिनट के लिए भी इस तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं। और पखंडी साधुओं ने जो खुद रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं उनको माया के जाल से निकलने के बजाय और फंसा दिया है और लोगों को लूट लूट कर खा रहे हैं। जब तक तुम अपने जिंदा राम से कोई काम लेकर दुनिया को जाहरा तौर पर ये नहीं दिखला देते कि तुम्हारा जिंदा राम कैसा है और किस तरह काम करता है, तब तक दुनिया का कोई आदमी इस बात को नहीं मान सकता कि तुम्हारे राम और पखंडी साधुओं के राम में दुनिया को क्या फर्क मिलेगा। तुम पहले अपने जिंदा राम से काम लेकर दिखाओ, फिर दुनिया को उससे काम लेना सिखा सकते हो। आज ये बात छुपी हुई नहीं है कि मस्ताना जी ने अपने राम से कितना काम लिया है। उस जिंदा राम के खजाने से नोट, सोना, चांदी, डॉलर, गायें भैंसें लुटाए जाकर दुनिया को दिखलाया जा चुका है कि पूजा मस्ताना जी वाला राम काम करने वाला राम है। उस जिंदा राम ने कोड़ी का कोड़ दूर किया, जरायम पेशा कौमे जैसे नट, सेंसी, पेटकुट, बावरी वगैरह जिनको गवर्नमेंट भी काबू ना कर सकी, आज उस मस्ताना जी वाले राम की बदौलत अपने हक हलाल की रोटी कमा कर खा रही है और चोरियां, ठगियां, डकैतियां वगैरह सब छोड़ते जा रहे हैं। मेहमतपुर रोही जिला हिसार के बिश्नोई लोग जो आपस में कत्ल व गारत के लिए मशहूर थे, आज पूज्य मस्ताना जी वाले राम की बदौलत भाई भाई बनकर खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं और उस राम के जपने से उनकी फसलों की पैदावार में कई गुना इजाफा हो चुका है। इस मस्ताना जी वाले जिंदा राम के जपने से सैकड़ों बेआबाद घर आबाद हो चुके हैं और उन घरों में जहां एक भी बच्चा ना था वहां पर कई कई बच्चे खेलते दिखाई दे रहे हैं। इस जिंदा राम के जपने वालों के घरों में बरकतों के भंडार खुल गए हैं और जिन घरों में रोटी खाने के लिए नहीं मिलते थे वो आज सब खुशहाल दिखाई दे रहे हैं और सबकी भूखे मिट रही है। जिला हिसार और राजस्थान में अक्सर कुओं में कड़वा और जहरीला पानी मिलता है। जिस जिस जगह इस जिंदा राम का जपना शुरू हुआ है वहाँ सतगुरु की दया से पानी भी मीठे होने लगे हैं। डेरा सतनाम पर धाम गदराना, इनामी धाम घोकियाँ वाली, मस्तपुरा धाम जलालाना, तहसील सरसा में पानी के मीठे होने की मिसालें दुनिया के सामने मौजूद है। ये तो रहे इस दुनिया के फायदे। पूज्य मस्ताना जी वाला जिंदा राम जहाँ सतगुरु उन सब लोगों के जो उस राम को अपनाते हैं मौत के वक्त आकर संभाल करता है। जिन लोगों ने इस जिंदा राम को अपनाया और अपना जिस्मानी चोला छोड़ गए वो खुशी खुशी अपने राम के पास पहुंच गए और जाते वक्त अपने सब कुटुंबी और कबीलादारों को इस अमर की इतला देते गए, बल्कि अपने इस दुनिया से जाने की खबर चोला छोड़ने से कई रोज पहले दे जाते हैं कि उन्होंने फलां दिन और फलां वक्त चले जाना है। मैं पूज्य मस्ताना जी की मेहरबानियों का अति धन्यवादी हूँ जिन्होंने मेरे जैसे पापी गुनाहगार को गले लगाया। आप मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते थे और डेरे का हर काम इस नाचिज बंदा की मार्फत करवाते थे और जब भी किसी से कोई बात करते या सत्संग वगैरह रखते तो फरमाते कि मैनेजर साहब से पूछेंगे या सलाह करेंगे। गो वो अपनी मर्जी के खुद मालिक थे,
मगर इस गुनाहगार को मान जरूर देते और स्टेज पर अपने साथ बिठाते या कुर्सी वगैरह देते और कभी नीचे ना बैठने देते। अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ते समय भी डेरा के सब जिम्मेवारी इस गुनाहगार के सुपर्द कर गए। चोला छोड़ने से 4 दिन पहले सब साधुओं को और जो डेरा में मौजूद थे इकट्ठा करके लगभग 50-60 दूसरे प्रेमियों के बीच सबको हदायत की कि अब सच्चा सौदा का काम खत्म है, बाहर की सेवा बंद है, अब अंदर की सेवा यानी भजन सिमरन शुरू होगा। हम सख्त मौन रखेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे और सच्चा सौदा के किसी काम में दखल नहीं देंगे। तुम सबको मैनेजर के हवाले करते हैं, उनके हुक्म में रहना होगा। अगर मैनेजर के हुक्म में रहोगे तो सुख पाओगे, वरना दुख उठाओगे। अब तक तुमने जितनी सेवा की है वो भक्ति में कबूल है, अब तुमको खुली छुट्टी है। जो चाहे घर जाकर शादी करवा सकता है, अगर डेरा में रहोगे तो मैनेजर के हुक्म के अंदर रहना होगा। मुझे हदायत दी कि इनको प्यार से रखना, इनके साथ दीनता से गुजारना और भजन करवाना। पहले एक पाव अनाज रोजाना खुराक शुरू करना, फिर धीरे धीरे एक स्टाक अनाज तक खुराक घटा देना। साल 6 महीने दरवाज़ा बंद रखना और खूब भजन करना। इसके बाद सब साधुओं की ड्यूटी लगा दी गई और हदायत की कि वो दोपहर तक अपना काम करें, फिर खाना खाकर लेट जावें और रात को सारी रात जाकर जिंदा राम की भक्ति करें। पूजा मस्ताना जी 18 अप्रैल 1960 को चोला छोड़ गए। सतगुरु की मौज, उसी दिन से हालात बदलने शुरू हो गए। कई पार्टियां बन गई और मुझे तंग आकर सरसा डेरा छोड़ना पड़ा। मैं तो ये भी उनकी मौज में ही समझूंगा, क्योंकि उनके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं झूल सकता। और ऐसी बातें तकरीबन हर फकीर के चोला छोड़ने के बाद होती रहती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।